1 ml वीर्य बनने में कितना समय लगता है? जिस अनमोल वीर्य को आप यूं ही हाथ में थुन करके निकाल देते हो, वेस्ट कर देते हो, उस वीर्य का 1 ml बनने में कितना समय लगता है और कितना भोजन लगता है? आज के वीडियो में यही बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा किंगडम। दोस्तों, जो वीर्य होता है हमारा शरीर की सबसे परम धातु होती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वीर्य हमारी शरीर की सबसे परम धातु होती है, सबसे उत्तम धातु होती है। इसी वीर्य से हमारे शरीर के अंदर ओज होता है, हमारे जो हमारा जो फेस है, हमारा चेहरा है, हमारा जो शरीर का बल है, ठीक है, वो शरीर का हर एक अंग, उसका जो बल है वो उसी वीर्य की वजह से उसको पावर जनरेट होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ठीक है, पावर मीन्स यहाँ पे ये नहीं है कि आप बात करोगे यहाँ बात जैसे कि कोई भी ऑर्गन है वो काम कर रहा है, उसको एनर्जी दे रहा है वीर्य, ऐसा नहीं है। पर अगर आपके शरीर के अंदर वीर्य की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर अलग अलग सिम्टम्स आने लगते हैं, अलग अलग कमियाँ आने लगती हैं। उसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे 1 ml वीर्य बनने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो हमारा जो भी हम खाते हैं पूरे दिन में, ठीक है, उसको जब हमारा शरीर डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, तो वो 7 हिस्सों में डिवाइड होता है। ठीक है, सबसे पहले उस खाने का जो भी हम खाते हैं उसका रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और लास्ट में जाके शुक्र बनता है, जिसको हम वीर्य कहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक डेफिनेशन जो ग्रंथ हैं उनमें जो बताया गया है और उनके अनुसार, और ये चीजें आज की डेट में मॉडर्न साइंस साइंस भी काफी हद तक इस चीज को लेके कोरिलेट करता है, इस चीज को मानता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जो भी खाते हैं पूरे दिन में, जनरली एक आम इंसान पूरे दिन में 700 से 800 या 900 ग्राम खाना खाता है। ठीक है, तो आप जो भी खा रहे हो उसका डाइजेशन होने में समय लगता है। ठीक है, पर जो डाइजेशन होके उसका जो पोस्ट डाइजेशन और जो न्यूट्रिशन होते हैं उनका पूरी तरह शरीर में फैलना, उसका एब्जॉर्ब होने में तकरीबन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा 5 दिन का टाइम लगता है। तो वो उस खाने से सबसे पहले बनता है रस, जो कि 5 दिन का समय लगता है उस रस को बनने में। ठीक है, फिर उसके 5 दिन बाद उससे बनता है रक्त, फिर मांस, फिर अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरीके से 7 भागों में डिवाइड होता है। और ऐसे करके ये पूरा जो प्रोसेस है 5 5 दिन का इसके अंदर समय लगता है। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 30 से 35 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, तो आप सोच के देखिए, अगर आप जो भी खा रहे हो, ठीक है, आपका अगर आप पूरे महीने में एक आप औसतन लेके चलते हैं आप, तो पूरा महीने में अगर आप 32 किलो खाना खाते हो, 32 से 35 किलो खाना खा रहे हो, ठीक है, तो उससे आपका पूरे महीने में आपका तकरीबन 500 600 से 700 ml या 700 ग्राम खून बनता है। ठीक है, और उसका जो लास्ट में निचोड़ोगे रक्त से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस अस्थि मज्जा शुक्र लास्ट में जाके शुक्र बनता है। ठीक है, तो वो पूरा जो प्रोसेस है पूरा महीने में जो आपने खाया है उससे, यानी कि अगर आपने 32 से 35 किलो खाना खाया है, उस 32 से 35 किलो खाने से पूरा महीने में जाके आपका मात्र 15 से 20 ग्राम शुक्र बनता है, जो कि आप निकाल देते हो, ऐसे ही एवं फेंक देते हो निकाल के। अब आप बोल रहे हो सर, अगर आप अगर ऐसा है तो हम तो डेली हाथ मैथुन करते हैं, हमें तो खाली हो जाना चाहिए था। तो भाई डेली बनता है ना। ठीक है, वैसे तो अकॉर्डिंग टू जो एलोपैथी जो साइंस होता है वो बेसिकली ये बोलता है कि भैया सीमन डेली बनता है, तो बनता है भाई, पर जो आप 1 महीने पहले जो खाना खाया है उस खाने का एब्जॉर्ब होके वो अब आपका शुक्र बन रहा है। ठीक है, बेसिकली जो सीमन होता है वो होता क्या है, तीन चीजों का एक मिश्रण होता है, आपका सेमिनल फ्लूड जो और प्रोस्टेट सिक्रेशन और आपका सीमन। ठीक है, जो आपका शुक्राणु जो जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या स्पर्म, सॉरी सीमन नहीं, स्पर्म, ठीक है, जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, इन तीनों को मिला के बनता है सीमन। ठीक है, जिसको हम वीर्य कहते हैं। तो इस वीर्य को बनने में आपका पूरा 1 महीना लग जाता है, समझ में आई बात। तो अगर आपने 1 महीने जो जैसे कि आज आपने जो भी खाया उसका जो सीमन है वो 1 महीने बाद पूरा प्रोसेस डाइजेस्ट होके पूरा प्रोसेस बनने में पूरा 1 महीना लग जाता है। तो आज जो खा रहे हो, कल खा रहे हो, परसों खा रहे हो, पूरा जो आप खा रहे हो ना, पूरी जिंदगी से जो खाते आ रहे हो, उस वजह से आपका डेली सीमन बन रहा है। बाकी आप जो आज खाना खा रहे हो उसका जो इफेक्ट है आने में आपको पूरा 1 महीना लगता है। इसीलिए आयुर्वेद के अंदर जो दवाइयां होती हैं लोग कहते हैं स्लो काम करती है, वो स्लो काम नहीं कर रही है,
वो आपके जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजर के आपके रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, अस्थि बनती है, मज्जा बनती है, फिर जाके शुक्र बनता है। और जब शुक्र का निर्माण होता है तब जाके आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में इम्प्रूवमेंट आना शुरू होता है। इसीलिए आयुर्वेद के अंदर टाइम लगता है, आयुर्वेद के रिजल्ट आने में टाइम लगता है, क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। न कि एलोपैथिक केमिकल लिया, तुरंत हिट किया और तुरंत आपका फायदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तुरंत में इफेक्ट, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली आज का मेरा बनाने का मकसद ये था कि आप भाई पूरे जो जिंदगी में खाते हो ना, पूरा महीने में जो खाना खा रहे हो वो आप एक बार में हिला के निकाल दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसा करना बंद करो, ठीक है। अगर आप हथमैथुन करते हो तो हथमैथुन करना बंद कीजिए, आप अच्छा खाना खाइए, अच्छा अपनी डाइट प्लान रखिए, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है सेक्सुअल, अगर आप हर जगह से ट्रीटमेंट लेकर थक चुके हो तो एक बार आप कॉल कीजिए, हमारे एक्सपर्ट से बात कीजिए, आपका समाधान है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इलाज संभव है, बस अगर जरूरी है तो आपका सही कदम उठाना। बाकी वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगता हो तो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।